अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी लाजमी हिट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच सके। सो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेस्ट न्यूड पैलेट का रिव्यू शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छी आई शेडो पैलेट है और इसके अंदर टोटल 21 शेड्स हैं आई शेडो के। और ये बहुत ही अच्छी पैलेट है, इसके अंदर सारे न्यूड एंड रूट शेड हैं जो कि हमारे डेली रूटीन्स में मेकअप में बहुत ही ज़्यादा यानी कि बेस्ट और अच्छे शेड है। इसके अंदर कुछ कंटोरिंग के भी शेड हैं, ब्लैक शेड भी हैं और इसके बैक पे जो भी ये यहाँ पे जो शेड्स दिए गए हैं इसके अंदर सारे ये वाले शेड्स मौजूद हैं। और पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में है। इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर से पैलेट बाहर आएगी। सो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। पैकेजिंग तो इसकी बहुत ही बेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली ये पैलेट है क्योंकि हम इसको ईज़िली अपने साथ ट्रैवलिंग के दौरान ले के जा सकते हैं। इसके अंदर अच्छा मिरर तो इसका है नहीं एंड इसके अंदर ये इसको यहाँ पे शीट है। और सबसे बेस्ट जो इसकी बात है वो यहाँ पे इसके सारे शेड्स नंबर लिखे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी वाली पैलेट्स में आपको पता है इस तरह से शेड्स लिखे होते हैं। और इसमें मैट एंड मेटालिक दोनों शेड हैं, और जो मैट शेड है ना वो बिल्कुल मैट है और जो मेटालिक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेटालिक से शेड हैं। सो ये पैलेट तो बहुत ही अच्छी है ना, आप लोग इसके शेड देख सकते हैं। इसमें कंटोरिंग के भी शेड हैं, ट्रांजिशन शेड है, आईब्रोज़ को भी फील कर सकते हैं हम इसके थ्रू। और बहुत ही अच्छा सा डेली वेयर वाला मेकअप, डेली रूटीन्स के साथ मेकअप वगैरह वो इस पे से कर सकते हैं। इसका ये शेड बहुत ही अच्छा है, सारे शेड इसके बहुत अच्छे से बहुत अच्छा वाला मेकअप हो जाएगा। और जो ये वाले शेड है ना, ये तीनों शेड इसके साथ हम अपने आई मेकअप पर हम मतलब एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं ये वाले तीनों शेड्स को। इसके अलावा सारे ही शेड बहुत अच्छे हैं, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। आप इसके मेटालिक शेड देख सकते हैं और मैट भी देख सकते हैं, सारे बहुत अच्छे शेड हैं। पैलेट तो ये बहुत ही अच्छी लगी है ना मुझे, ये मेरी फेवरेट पैलेट्स में ये मुझे बहुत ही अच्छी पैलेट लगी है क्योंकि ये अफोर्डेबल इतनी ज़्यादा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपकी मेकअप किट में इस तरह की ज़रूर पैलेट होनी चाहिए जिसके अंदर इस तरह के मैट से शेड हो, क्योंकि मैट शेड अक्सर पैलेट्स में नहीं होते और ये मेकअप के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बिकॉज ट्रांजिशन शेड हैं, इसमें कंटोरिंग शेड हैं, इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे शेड हैं। सो मैं आप लोगों से इनके स्वैचेस शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये इसका काफ़ी अच्छा शेड है। इसके अलावा ये कंटोरिंग वाला, इसको हम ऐसा कंटोरिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट सा शेड है क्योंकि डेली रूटीन में ज़्यादा डार्क डार्क कंटोरिंग बेस्ट नहीं रहती। ये देखें, ये वाला शेड हम एज ब्लश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये ब्लैक शेड देख लीजिए, जो कि मेकअप में मस्ट हमें चाहिए होता है, तो मैं अब इनको अपने हैंड पर लगा के भी आपको दिखाती हूँ। सो ये मेरे हैंड पे चारों शेड लगे हुए हैं। इसके इतने लाइट्स कलर है ना कि बिल्कुल नो मेकअप लुक वाला जो है ना, इससे हम मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं है। बहुत ही मुझे ये अच्छी पैलेट लगी है। सो आपको ये पैलेट कैसी लगी है आप भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लिखी है ना, जैसे देखें ये सोल, इस पर सारे नेम लिखे हुए हैं जो भी इनके नेम है। इसके अलावा इसके अंदर टोटल 21 कलर्स हैं, 21 शेड्स की ये पैलेट है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ट्रैवल फ्रेंडली है और जो कार्ड टाइप बनी हुई है ये हम इसको इजीली। सो अगर आपको ये पैलेट की वीडियो अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।